नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म वॉर को लेकर स्टार्स दो गुटों में बंट गए हैं। हाल ही में कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर एक न्यूज चैनल पर बोलती नजर आई थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म की बहस एक बार फिर से छिड़ गई, जिसमें इंडस्ट्री के कई लोगों ने कंगना की बात का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन भी किया और सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते दिखे। इस बीच अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा भी कंगना के सपोर्ट में उतर आए हैं। जिस चैनल पर कंगना ने नेपोटिज्म पर खुलकर बोला था, उसी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आकर कंगना का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना का सपोर्ट करते हुए कहा था कि कंगना के बारे में वो लोग कहते हैं कि वो गलत है, वो निंदनीय है, शर्मनाक है। अरे आप किसी की हौसला अफजाही नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पर आप ऐसे किसी को कंडेम करेंगे? आप इस तरह से उसके कैरेक्टर पर बोलेंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? आप हैं कौन? आपसे उसने कौन सा सहारा लिया? आप खुद कैसे आए हैं यहाँ? आपने खुद क्या किया है जीवन में? फिल्म इंडस्ट्री आपके पिताजी की जागीर है, ये सबकी है। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा के इस तरह बॉलीवुड के खिलाफ बोलने को लेकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। शत्रुघ्न के इस कदम को सराहा जा रहा है। बताते चले कि हाल ही में कंगना ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बॉलीवुड में होने वाली नेपोटिज्म की पोल खोल डाली थी। उन्होंने करण जौहर, महेश भट्ट और आदित्य चोपड़ा जैसी हस्तियों पर निशाना साधा था। वहीं कंगना ने ये तक दावा किया था कि अगर उनकी कोई भी बात बेवजह निकली तो वो अपना पद्मश्री लौटाने तक को तैयार है। कंगना रनौत की इस बेबाकी को फैंस और बॉलीवुड के कई लोग खूब सराह रहे हैं। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए अपनी राय।